नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बैठक। किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत द्वय की स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा बुधवार से व गुरुवार से सामयिक विषयों पर होगा व्याख्यान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ व समापन अवसर पर उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। महायोजना 2031 पर नागरिकों के द्वारा आपत्ति व सुझाव देने का जीडीए ने कार्य किया शुरू। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कोई भी नागरिक जीडीए में आकर महायोजना को देखकर दे सकता है अपना सुझाव। उनके सुझाव को कमेटी में रखकर संशोधन करके बोर्ड की बैठक में किया जाएगा पास। घंटे के अंदर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 1600 रुपए, एक मोबाइल, एक जोड़ी पायल, एक आधार कार्ड, एक लेडीज पर्स किया बरामद। पीटा जेल। विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण का जनपद में चल रहा है कार्य। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। शाहपुर थाने के सातिर अपराधियों पर गैंगस्टर का मुकदमा हुआ पंजीकृत। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। सभी विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता कराकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। जनपद में बिना मानचित्र के बने होटलों की जीडीए करेगा चेकिंग। टीम किया जा रहा है गठित, करेगा बिना मानचित्र वाले होटलों पर कार्यवाही। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी जल्द चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव। बुधवार से किया जाएगा सिकारा मोटर चालित नाव का ट्रायल। लोगों को नौकायन का मिलेगा मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। फरार चल रहे चौरीचौरा थाने के शातिर अपराधी सुरेश कुमार पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 15,000 का इनाम किया घोषित। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात कार्यालय से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चेकिंग अभियान। जाम को कराया गया क्लियर। वाहनों की चेकिंग कर 18 वाहनों का किया गया चालान। कहा, यातायात पुलिस का नियमित चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। जनपद के व्यापारी बंधुओं के साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। व्यापारियों की जानी समस्या। कहा, व्यापारियों की सुरक्षा है हमारी पहली प्राथमिकता, उनकी समस्याओं का होगा समाधान। आठ सितंबर से 11 सितंबर तक ईस्ट जोन इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल करेंगे प्रतियोगिता का उद्घाटन। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजित श्रीवास्तव ने दी जानकारी। दस सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वावधान में मनरेगा कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। और नदियों के जलस्तर में जनपद में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जिलाधिकारी ने कहा, नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांसगांव और बड़हलगंज के संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। 14 बाढ़ चौकियों को रखा गया है अलर्ट पर। बाढ़ से निपटने की है पूरी तैयारी। अब खबरें विस्तार से।
प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि किसान सम्मान निधि का किसानों को लाभ दिया जाए, जिसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी किसानों को चिन्हित करके डाटा उपलब्ध करवाएं, जिससे किसानों को योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा, अभी तक कहीं से भी सही डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री की मंशा है कि योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाए, इसलिए ब्लॉक स्तर पर चौपाल लगाया जाए, जिससे लोगों को योजना के बारे में पता चल सके। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, सीडीओ संजय कुमार मीना, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और वो काम धेनु गाय में जो कि बगैर प्याई गाय उसको लगातार दूध देती, मैंने ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं उसको लगातार कंटिन्यूअस देयर इज नॉट स्टॉप। अब ये एक लोगों के लिए उत्सुकता रख से हो सकता है, लोग देखने के लिए कामधेनु को उसका भले एक आश्चर्य की चीज को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग जाते, मंदिर भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे जो बरगद के पेड़ मुझे मिले, जो मुझे बताया वहाँ पे उसको मैंने ऐसे फॉरेस्ट पर रखा, उसकी कार्बन डेटिंग कराने को बताया था 500 साल से भी ज़्यादा पुराने। अगर 500 साल से ज़्यादा पुराने बरगद के वृक्ष है और उस पर आज भी फूटिंग हो रही है, ये अपने आप में आश्चर्य है। हर चीज का एक जाता है, इतने सालों तक उसमें फ्रूटिंग हो रही है, ये मैंने अभी कार्बन डेटिंग करने को कहा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लोगों की वहाँ पर स्थानीय लोगों को बहुत तस्वीरों को जानकारी था। ऐसी नई चीज देखना चाहते हैं, पीछे जैसे मैंने सुल्तानपुर में बात की थी, एक बड़े बटवृक्ष की बात की थी, उसको एक ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ले रहा है। ऐसी चीजों से हम लोग टूरिज्म बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर पे आपको आसपास में सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले श्री मेरे चेक कुमार कहा कि वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो मंदिर क्या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना सकते, उतने लोगों को एक रोजगार मिले, इसके बारे में क्या सोच किया है। वहाँ मुझे बातचीत में पता चला कि वहाँ के जंगल के जो SSB के कमांडेंट थे रावत, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ ऐसा ट्री है जो कि लोगों को मिलता नहीं, दुर्लभ ट्री, और वहाँ जाने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करना है। तो क्या हम ट्रैक करके उसको लोगों को बड़ा ट्रैकिंग रूट बना सकते हैं, कि इंटरेस्ट ऐसी एक नया चीज क्रिएट कर सकते हैं कि लोग जाए जाके देखें और देख करके वो उनके लर्निंग हो जाए, उसी बहाने आपको फॉरेस्ट लोगों को वॉक करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये क्या कुछ ऐसी नई नई चीजें हम लोग कर सकते हैं, ये आपको हर एक जिले में, हर एक नहीं बल्कि हर जिले में ऐसे बहुत सारी चीजें। पीछे मैंने बात किया था कि आपको नीम कॉलोनी के बाबा का जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर श्री राम कथा के रसपान और समाज व राष्ट्र को प्रभावित करने वाले कई ज्वलंत मुद्दों पर चिंतन मंथन का अवसर प्राप्त होगा। महंत द्वे की पावन स्मृति में कथा का शुभारंभ 7 सितंबर तथा व्याख्यानमाला की शुभारंभ 8 सितंबर को होगा। पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के उद्घाटन व समापन समारोह में मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7 सितंबर बुधवार को अपराह्न 3 बजे से मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होगा। व्यास पीठ पर अयोध्या से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धराचार्य जी महाराज पीठाधीश्वर अशर्फी भवन अयोध्या कथा का रसपान कराएंगे। इसके पूर्व इसी दिन गोरखनाथ मुख्य मंदिर से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कथा स्थल तक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। इसका विराम
हवन एवं भंडारे के साथ 13 सितंबर को होगा। गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वे की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न सामयिक व ज्वलंत विषयों पर व्याख्यान माला की शुरुआत गुरुवार से होगी। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में व्याख्यान प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से होगा। पहले दिन 8 सितंबर को आज़ादी के अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषय पर व्याख्यान होगा। 9 सितंबर को भारतीय सेना और अग्निपथ, 10 सितंबर को नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका, 11 सितंबर को संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति, 12 सितंबर को भारतीय संस्कृति एवं गोसेवा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, 13 सितंबर को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा 14 सितंबर को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। जीडीए के द्वारा बनाए गए महायोजना 2031 पर नागरिकों के द्वारा आपत्ति व सुझाव देने का कार्य शुरू हुआ, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि महायोजना 2031 को देखने के लिए जीडीए के द्वितीय तल स्थित संयुक्त नियोजक कार्यालय में प्रदर्शनी लगाया गया है। कोई भी नागरिक महायोजना का अवलोकन कर सकता है और अपना आपत्ति व सुझाव वहीं पर दे सकता है, जिसकी आखिरी तारीख 4 अक्टूबर तय की गई है। इसके अलावा कोई भी नागरिक महायोजना को जीडीए के वेबसाइट पर भी देख सकता है। आपत्तियों और सुझाव के आधार पर जीडीए उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में बनी कमेटी महायोजना में संशोधन करेगी, उसके बाद दोबारा महायोजना को बोर्ड में रखकर पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जो गोरखपुर की महायोजना है ये कंसल्टेंट द्वारा तैयार की गई है और उसको पब्लिश किया गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और यहाँ पे भी उसका प्रदर्शनी लगाया गया है। इसमें आपत्ति सुनवाई शुरू हुई है, जैसे अगर किसी को कोई सुझाव देना है, आपत्ति देना है तो वो दे सकता है। इसकी प्रक्रिया कल से शुरू की गई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो अपना इसमें सुझाव दे रहे हैं। इन सारे सुझावों को लेके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनको कंपाइल करके उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसको पुनः बोर्ड में रखा जाएगा, तो उसके बाद बोर्ड ये अप्रूव करेगा, तब जाके ये लागू होगी। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से यही निवेदन है कि महायोजना बनाने में आप अपना सहयोग करें, आप अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि अभी जो महायोजना है वो सभी विभागों का जो सुझाव है उसके हिसाब से बनाया गया है। जो पब्लिक का सुझाव होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस शहर के लिए, तो आप अपना सुझाव दें और इसको और अच्छा बनाएं। सर क्या प्रोसेस है, किस तरह से? जिसको भी सुझाव देना होगा वो गोरखपुर विकास प्राधिकरण में द्वितीय तल है, सेकेंड फ्लोर पे टाउन प्लानर साहब का ऑफिस है, वहाँ पे एक चिट्ठी के माध्यम से, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट लगाना है तो लगा के अपना सुझाव दे सकता है।
उरवा थाने की पुलिस ने लूट करने वाले दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सिंटू पुत्र अक्षय लाल निवासी ग्राम चचाई राम थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर, दूसरा विशाल पुत्र नारद निवासी ग्राम चचाई राम थाना उरवा बाजार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 1600 रुपए नगद, एक कीपैड मोबाइल, एक जोड़ी पायल सफेद धातु का, एक आधार कार्ड, एक कार्ड नुमा पासबुक व एक लेडीज पर्स को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर लूट का मुकदमा पंजीकृत था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उरवा थाने की उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार गौतम, कमला सिंह यादव, अक्षय कुमार साहब लाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, बीती रात थाना उरवा क्षेत्र में एक महिला से दो अज्ञात बदमाशों ने उसका पर्स छीन लिया था। पर्स में उसका मोबाइल, कुछ कार्ड्स, 1600 रुपये और एक जोड़ी पायल थी। मुकदमा उरवा थाने में दर्ज हुआ और लगभग 12 घंटे के अंदर उरवा थाने की टीम ने इस घटना का अनावरण करते हुए दोनों बदमाश सिंटू और विशाल को गिरफ्तार कर लिया है तथा इनसे इनके कब्जे से 100% लूटी गई सामग्री बरामद हो चुकी है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से आगे की कार्यवाही की जाएगी। जनपद में विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास व पैडलेगंज के लिए प्रस्तावित किया गया है तथा बेतीहाता चौराहा पर भी रोड को चौड़ा किया जाएगा। इसके अलावा जेल रोड, खजांची, बरगदवा पर रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है तथा जहां पर भी रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता हो रही है, डीपीआर बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, अभी जनपद में अलग अलग जगह रोड्स का निर्माण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। जैसे एक तो ट्रांसपोर्ट नगर से हम लोगों ने देवरिया बाईपास और पेडलीगंज के लिए प्रस्तावित किया है फ्लाई ओवर। इसके अतिरिक्त बेतियाता चौराहा पे भी, मतलब जो रोड्स हैं वहाँ वाइडनिंग का काम हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके अतिरिक्त जेल रोड्स पे काम चल रहा है, खजांची भी काम चल रहा है, बरगदवा भी काम चल रहा है। अलग अलग जगह जहाँ जहाँ बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं वहाँ पे कार्य कराया जा रहा है और जहाँ आवश्यकता हो रही है वहाँ शासन में डीपीआर बना के भेजा जा रहा है और बजट लोगों के काम अकॉर्डिंगली कराया जाएगा। जनपद के कैंट थाने व शाहपुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कैंट व शाहपुर थाने में दो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें थाना कैंट पर डीआईजी के घर के पास एक हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग करने वाले सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी सुपई घाट थाना बेलघाट, दूसरा राहुल शर्मा पुत्र सुनील शर्मा निवासी गायबेला थाना शिकरीगंज, तीसरा विशाल सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी हरिहरपुर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, चौथा विनय यादव पुत्र दयाशंकर यादव निवासी महादेव थाना शिकरीगंज जनपद गोरखपुर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे थे जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वह बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल चलाते थे, जिसको देखते हुए अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके साथ ही शाहपुर थाने में मुफ्त में शराब पीने, हत्या का प्रयास करने, हत्या करने में राजन तिवारी पुत्र स्वर्गीय आशीष तिवारी निवासी टाडा थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा नवनीत मिश्रा उर्फ लकी मिश्रा पुत्र शशिकांत मिश्रा निवासी सरस्वतीपुरम पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा निखिल शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी जेल रोड असरन थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत था। इनके ऊपर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कैंट एवं थाना शाहपुर द्वारा दो गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना कैंट द्वारा डीआईजी महोदय के आवास के बाहर एक हॉस्पिटल पर फायरिंग करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था एवं उन पर अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री होने के बाद में गैंगस्टर का भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। वो लोग माफिया बन के हॉस्पिटल चलाते थे, इनके पास किसी प्रकार का हॉस्पिटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था एवं काफ़ी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास था। इनकी भी प्रॉपर्टी
खंगाल कर 14A की कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर थाना क्षेत्र में मन बढ़ई कर और मुफ्त में शराब पीने, हत्या के प्रयास करने एवं हत्या के अभियोग जिन लोगों पर पंजीकृत थे, उन लोगों का एक गैंग संचालित हो रहा था। उस गैंग को थाना शाहपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया है एवं उसके बाद में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। उनकी भी 14A की कार्रवाई कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक आयुक्त सभागार में शाकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के तहत मंडल खेल का आयोजन नवंबर माह के पहले सप्ताह में करवाया जाए, जिसमें मुख्य रूप से वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए तहसील व ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता कराकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को चिन्हित कर आगे बढ़ाना व स्कूल कॉलेजों में खेलों को बढ़ावा देकर प्रोत्साहित किया जाए। गरीब खिलाड़ियों को खेल सामग्री उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाया जाए। खेल हेतु जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सके। बॉक्सिंग खिलाड़ी के लिए बॉक्सिंग हॉल निर्माण के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, नंदू मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मंडल ओलंपिक संघ के आप सेक्रेटरी भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, तो ये उनसे जुड़ा है और आपने ये प्रॉमिस किया है कि हम इस जो मंडल के स्पोर्ट्स हैं उसकी जो कॉम्पिटिशंस होंगे उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, जो भी खर्चा आएगा उसको बियर करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उससे जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से बहुत लगाव है, तो हमें ये बहुत हमारे पास अवसर है कि हमारे जो कॉम्पिटिशन मंडल के होने वाले हैं जिसको हम आज डिसाइड करेंगे, हमारे आपके निर्देशन में जैसे आपने पहली बैठक में निर्देश दिया था तो उसका हमने अनुपालन करते हुए सर जो कॉम्पिटिशन यहाँ कराए, खिलाड़ियों को उसमें गेस्ट रूप में बुलाया और उन्हें हमारी बताया है, स्विमिंग का कॉम्पिटिशन कराया है, अभी कुश्ती का कॉम्पिटिशन कराया है, कबड्डी का कॉम्पिटिशन कराया है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन कराया, ये प्रमोशन कमेटी से सारा खर्चा प्रमोशन कमेटी ने बियर किया है। सर प्रमोशन कमेटी में जो भी है बियर वो ऑन हम कोई भी दान देते हैं वो उसमें आता है या जो भी रिसोर्सेज से पैसा आता है उसका डायरेक्ट ये नहीं है उसमें, तो ये भी अनुरोध करना है कि जो भी इसमें वॉलंटरीली शौक के साथ में इसमें इस समिति की निधि को बढ़ाने के लिए पैसा दे सकते हैं तो वो भी अपना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि हमारी समिति का फंड हो और इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम खेल आयोजन करा सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने बैडमिंटन हॉल और कुश्ती हॉल की दशा को सुधारने के लिए GDA के माध्यम से हमारे 1,40,00,000 की लागत से जो है आपने रिनोवेशन किया, उसके लिए हम सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर दूसरा चीज़ है, देखिए यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स के लोग इन्वॉल्व हैं, मेरा अनुरोध है आप लोगों का, देखिए जब इतने बड़े अमाउंट का जो स्वीकृति होता है उसका क्वालिटी का मेंटेन कराना आपकी जिम्मेदारी होती है सर। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो कृपया मैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो भी बन रहा है उसका क्वालिटी A1 होना चाहिए। कल एक बार क्योंकि पैसा एक ही बार लग पाता है, सरकार के माध्यम से जो भी काम होगा उसका सदुपयोग ना हुआ तो फिर सब बेकार हो जाएगा, तो कृपया इसका क्वालिटी एक बार आप स्वयं और आपकी पूरी टीम के साथ एक बार जा करके जो भी चीज़ बन रही है, जो भी जिस आदमी को भी ठेका मिला हुआ है जो कर रहे हैं उसको एक बार सही तरीके से देख करके आप इसका क्वालिटी मेंटेन करवा। RES बना रहा है तो एक सुविधा वो मिल जाएगी, दूसरी सुविधा बैडमिंटन और इसकी वॉलीबॉल की फ्लड लाइट की दे दी गई है बच्चों को, रात में प्रैक्टिस हो रही है, ये भी प्रमोशन कमेटी के माध्यम से हुआ है। तो सर ये दो जो एक हमारा और इशू रह रहा है सर, जो वहाँ पे टॉयलेट ब्लॉक है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, जो कॉम्पिटिशन होते हैं तो बच्चे बहुत सारे उसमें नहीं सफिशेंट है उनके पास, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हैं, DM सर ने प्रॉमिस किया है उसको भी कराने के लिए। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ लेके आई है और न्यू राइज गेम है बॉक्सिंग का, तो एक बॉक्सिंग हाल में सर जरूरत महसूस की जा रही है, तो हम सर ये अनुरोध करेंगे इसी पर अगर किसी योजना के माध्यम से, जैसे मैं MP साहब चाहूँ कि सर यहाँ पर जो हमारे बहुत 5 स्टेट लेवल के टूर्नामेंट अभी खेल विभाग ने यहाँ अलॉट किए हैं, अभी 10 और 11 तारीख को सेप्टेम्बर की स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है, चाहूँ कि 17, 18, 19, 20 सेप्टेम्बर को स्टेट लेवल के महिला खेल होने जा रहे हैं जिसमें बास्केटबॉल और हैंडबॉल की 18 मंडलों की टीमें भाग लेंगे, अराउंड करीब 700 खिलाड़ी सब भाग लेंगे महिला। तो ये उस पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग की है, मैं से दो डॉक्टर अनुज है, फॉर लास्ट 15 ईयर्स सर हम लोग करीबन 400 बच्चों को हम लोग कहते थे सर कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो
अपकमिंग गेम्स है, जैसे एथलीट्स है, वो चाहते थे कि ये गोरखपुर से ऊपर निकालने के लिए, तो सर जब तक ये मंडली लेवल पे नहीं होंगे तब तक पॉसिबल नहीं। कुश्ती के लिए तो यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स का ही है, इसलिए उसका तैराक हो रहा है। बाकी और तो बाकी तीन सर तैराकी के लिए मैं कहना चाहूँगा सर, जीडीए के द्वारा जनपद में बने होटलों के मानचित्र को चेक किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि सोमवार से होटलों को लेकर काफी शिकायत आ रही है कि कई होटल व रेस्टोरेंट गलियों में चल रहे हैं और उनका नक्शा भी पास नहीं है, जिनके ऊपर जीडीए कार्रवाई करने जा रहा है। जीडीए के द्वारा टीम बनाकर होटलों का नक्शा चेक किया जाएगा कि किस होटल का नक्शा है और किसका नहीं है, नक्शे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, मैं भी जो है रोज नाश्ता के पास घर पे कभी आए हो आप? ये वाला राइस होता है, ये साउथ से मंगा लो क्योंकि यहाँ वाला जो राइस है हम सिर्फ 100 साल हो रहा हूँ। चेन्नई में से आप सुबह उठे किसी भी गली में वहाँ 6 बजे से रेस्टोरेंट चालू हो रहा है, चौना नहीं। इसमें कल से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी लोगों ने ये हम लोगों को यहाँ पे संज्ञान में दिया है कि कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जो इस तरह से गलियों में चल रहे हैं और लोगों ने ये बोला है कि उनके नक्शे भी पास नहीं हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक टीम बना रहे हैं जो सारे होटल्स जितने भी हैं सबका स्पेशली नक्शा हम लोग, चूँकि नक्शा चेक करने का हमें अधिकार है, हम लोग नक्शा चेक करेंगे क्या नक्शे के पास कराया उन्होंने या नक्शे के विपरीत तो नहीं बनाया है। तो इसमें एक टीम जाएगी उसको चेक करके और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बैठक, किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत द्वय की स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा बुधवार से व गुरुवार से सामयिक विषयों पर होगा व्याख्यान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ व समापन अवसर पर उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। योजना 2031 पर नागरिकों के द्वारा आपत्ति व सुझाव देने का जीडीए ने कार्य किया शुरू। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कोई भी नागरिक जीडीए में आकर महायोजना को देखकर दे सकता है अपना सुझाव, उनके सुझाव को कमेटी में रखकर संशोधन करके बोर्ड की बैठक में किया जाएगा पास। घंटे के अंदर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 1600 रुपए, एक मोबाइल, एक जोड़ी पायल, एक आधार कार्ड, एक लेडीज पर्स किया बरामद। पीटा जेल। विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण का जनपद में चल रहा है कार्य, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। शाहपुर थाने के 7 अपराधियों पर गैंगस्टर का मुकदमा हुआ पंजीकृत, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक, सभी विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता कराकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। जनपद में बिना मानचित्र के बने होटलों की जीडीए करेगा चेकिंग, टीम किया जा रहा है गठित, करेगा बिना मानचित्र वाले होटलों पर कार्यवाही, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी जल्द चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव, बुधवार से किया जाएगा सिकारा मोटर चालित नाव का ट्रायल, लोगों को नौकायन का मिलेगा मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
फरार चल रहे चालीसारा थाने के शातिर अपराधी सुरेश कुमार पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 15,000 का इनाम किया घोषित। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात कार्यालय से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चेकिंग अभियान। जाम को कराया गया क्लियर। वाहनों की चेकिंग कर 18 वाहनों का किया गया चालान। कहा, यातायात पुलिस का नियमित चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। जनपद के व्यापारी बंधुओं के साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक। व्यापारियों की जानी समस्या। कहा, व्यापारियों की सुरक्षा है हमारी पहली प्राथमिकता, उनकी समस्याओं का होगा समाधान। आठ सितंबर से 11 सितंबर तक ईस्ट जोन इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का होगा आयोजन। अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल करेंगे प्रतियोगिता का उद्घाटन। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजेश श्रीवास्तव ने दी जानकारी। दस सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वावधान में मनरेगा कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। और नदियों के जलस्तर में जनपद में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जिलाधिकारी ने कहा, नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांसगांव और बड़हलगंज के संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। 14 बाढ़ चौकियों को रखा गया है अलर्ट पर। बाढ़ से निपटने की है पूरी तैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में रामगढ़ ताल की तरह अब राप्ती नदी में भी मोटर चालित बड़ी नाव चलेगी। राप्ती नदी के दोनों तटों के सुंदरीकरण के बाद पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने इसकी तैयारी कर लिया है। गोरखपुर जनपद विश्व के पर्यटन के मामले में बहुत ही तेजी से उभर रहा है। उसी क्रम में रामगढ़ ताल की तरह ही राप्ती नदी में भी एक शिकारा मोटर चालित बड़ी नाव बनाकर लोगों को नौकायन का मौका देने के मद्देनजर अयोध्या से नाव आ गई है और बुधवार से ट्रायल किया जाएगा तथा ट्रायल पूरा होने के बाद घाट पर आम दर्शक और पर्यटकों के लिए चलाया जाएगा। धार्मिक पर्व के अलावा आम दिनों में भी स्थानीय निवासी नौकायन का आनंद उठा सकेंगे। अगले कुछ दिनों तक इस नाव का ट्रायल किया जाएगा। शिकारा मोटर चालित नाव का ट्रायल सफल होने के बाद आम दर्शक और पर्यटकों के लिए चलाया जाएगा। कृपया आप लोग सहयोग कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे सहयोग से हम लोग आरती संपन्न कराते हैं। आप सभी लोग इसके व्यवस्था को बनाए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने फरार चल रहे अपराधी सुरेश कुमार पुत्र नाथू राम निवासी महुआवा बुजुर्ग थाना चौरी चौरा के ऊपर 15,000 का पुरस्कार घोषित किया है। जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि अपराधी सुरेश कुमार 2021 से फरार था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी, जिसके ऊपर एसएसपी द्वारा 15,000 का पुरस्कार घोषित किया गया है। जो कोई भी फरार चल रहे अपराधी सुरेश के बारे में सूचना देगा उसको 15,000 का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये 2021 से फरार था अपराधी 420 के मुकदमे में 5/21 मुकदमा नंबर था। इसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। जो भी कोई इसके बारे में सूचना देगा या उसके सहयोग से इसकी गिरफ्तारी होगी उसको ये इनाम उपलब्ध कराया जाएगा।
एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में यातायात कार्यालय से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि रेलवे बस स्टेशन के पास बिना नंबर प्लेट या टूटे नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों का चालान किया गया और कुछ गाड़ियों को यार्ड में भिजवाया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस का नियमित वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर और रोडवेज बस स्टैंड पर काफी लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। इसी संबंध में जाम को क्लियर भी कराया गया और साथ ही साथ वाहन की चेकिंग भी की गई, जिसमें 18 गाड़ियों का चालान किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी गाड़ियों का पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उनकी गाड़ियां यार्ड में भेजा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा, यातायात पुलिस का नियमित चेकिंग अभियान है। रोडवेज और रेलवे स्टेशन पे काफ़ी लोगों की आवाजाही रहती है, इसमें यहाँ पर जाम की भी समस्या रहती है, उसी को क्लियर करा रहे थे हम लोग और वाहन चेकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। अभी तक 18 गाड़ियों का हम लोग चालान कर चुके हैं और अभी चेकिंग की कार्रवाई जारी है। इसमें मेन जिन लोगों की नंबर प्लेट गड़बड़ है, स्पष्ट रूप से नंबर प्लेट पर अंकित नहीं अथवा HSRP नहीं है, ज़्यादातर गाड़ियों का चालान HSRP की धाराओं में हुआ है। सर, कुछ गाड़ियों को यार्ड में भी ले जाया जा रहा है? जो पेपर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उन गाड़ियों के लिए यार्ड में ले जाए गए हैं। अगर वो पेपर जो प्रस्तुत कर देंगे उन पेपर को छोड़ के, जो पेपर नहीं होंगे उसी आधार पर उनका चालान हो जाएगा।
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने व्यापारी बंधुओं के साथ पुलिस लाइन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि व्यापारियों की समस्या का समाधान करना शासन की उच्च प्राथमिकता है, जिसको देखते हुए व्यापारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें व्यापारियों की समस्याएं व उनकी सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए सभी थानाध्यक्षों व सीओ को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में बाहर से आने वाले जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाया जाए व रात के समय में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पेट्रोलिंग करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है, जिससे कि चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के द्वारा सुझाव भी मिला है, उनके सुझाव को अमल में लाया जाएगा, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, रमेश गुप्ता, सरदार कमलजीत सिंह, प्रकाश नारायण पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, अपनी समस्या बताते हैं और एक वो वाला जो समय होता है उसकी क्या स्थिति है हमारे यहाँ अब उनकी स्थिति ये है साहब, दृष्टता किसी और को डबल डॉक्टर्स लोग आपका सेवा करेंगे, तीन आईपीएस, तीन अशोक और दो डॉक्टर, और दो डॉक्टर सुनवाई होने की सुनवाई नहीं होती व्यापारी तो मुद्दा आएगा बताइए सभी लोगों सबकी सहमत हो केवल हम कहीं 40 सेकंड का भाई होता है स्वागत का हो जाए स्वागत करेंगे सर व्यापारी बंधु सर बैठक के लिए करके हमें देखिए व्यापारियों की सुरक्षा और प्रशासन के साथ उनका समन्वय ये शासन की सबसे उच्च प्राथमिकता है। उसी के क्रम में आज जनपद गोरखपुर में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए हमारे जो व्यापारी बंधु हैं और व्यापारी जो संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री हैं आज उनके साथ यहाँ पुलिस लाइन सभागार में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष रूप से व्यापारियों के सामने आ रही समस्याएं, उनकी सुरक्षा को और कैसे सुदृढ़ किया जाए और कैसे स्थानीय लेवल पर लोकल लेवल पर चाहे वो हमारे पुलिस स्टेशन्स हैं सर्कल ऑफिसर्स या अन्य अधिकारी हैं कैसे दिन प्रतिदिन उनके आने वाली समस्या का समाधान हो, मार्केट में आने बाहर से आने वाले जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, रात के समय पर जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके वहाँ पर पेट्रोलिंग हो उनकी निगरानी हो, इन सभी बिंदुओं पर काफ़ी बृहद चर्चा हुई है। बहुत अच्छे सुझाव हमारे जो इस मीटिंग में आए हुए हमारे सम्राट जो व्यापारी हैं उनके द्वारा आए हैं, पदाधिकारियों द्वारा आए हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर बड़ी ही गंभीरता से विचार किया गया है और आने वाले दिनों में कैसे उनकी सुरक्षा को और अच्छा किया जा सके, सुदृढ़ किया जा सके और प्रशासन पुलिस और व्यापारियों का समन्वय कैसे और अच्छा बनाया जा सके इसके लिए पूरे प्रयास हमारे द्वारा किए जाएँ। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजेश श्रीवास्तव ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ईस्ट जोन इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन 8 सितंबर से 11 सितंबर तक लेविस एकेडमी बैडमिंटन हॉल धर्मपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल करेंगे तथा समापन समारोह के मुख्य अतिथि यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 6 सालों के बाद मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आयोजित हो रहा है।
ईस्ट जोन के प्रत्येक प्रदेश के चुने हुए 150 पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की टीमें भाग लेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजित श्रीवास्तव ने कहा, मैं राजीव श्रीवास्तव हूँ, सेक्रेटरी हूँ गोरखपुर बैडमिंटन। ये प्रेस वार्ता हो रही है। ये गोरखपुर में ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता होने जा रही है। शायद गोरखपुर में 20-25 सालों में इतनी बड़ी प्रतियोगिता अभी तक नहीं आयोजित की गई है। और इस प्रतियोगिता में जो है 6 स्टेट, यूपी, उत्तरांचल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, उनके जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें टीम स्पर्धा भी होने जा रही है, व्यक्तिगत स्पर्धा भी। ये गेम जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के देख रेख में और तत्वाधान में हो रहा है। हमारे स्पॉन्सर में भी हैं भारतीय बैडमिंटन संघ। और मतलब 3 दिनों पहले 2 दिन जो है टीम इवेंट होगा और दूसरे 2 दिन व्यक्तिगत स्पर्धा। कितने खिलाड़ियों की? लगभग 150 खिलाड़ी को, जिनके रुकने और खाने की सबकी व्यवस्था पूरी, मतलब सुबह नाश्ते से लेकर के पूरा टाइम खाना पीना। किस जगह पे होगा? कितने? ये स्थानीय लिविंस बैडमिंटन एकेडमी धर्मपुर में आयोजित होगा और उसमें ही होगा। ये तारीख 8 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक के बीच में आयोजित होगा। 8 सितंबर को नवनीत सहगल जी जो प्रमुख सचिव हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे और 11 तारीख को विराज सागर दास जो कि BBD ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, हमारे यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, वो पुरस्कार। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वावधान में मनरेगा कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया तथा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मानव संसाधन नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा 18 नवंबर को आयुक्त द्वारा रिमाइंडर शासन को भेजा जा चुका है, जो 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे, परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैगिंग के कार्य ही जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों से ही मूल ग्राम पंचायतों के साथ साथ स्थित ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिए जाए तथा ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कैलाश पति विश्वकर्मा, संयुक्त मंत्री अनिल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रताप सिंह सोनू, जिलाध्यक्ष गोरखपुर ग्राम रोजगार सेवक संघ। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे जनपद से, सारे 20 ब्लॉक से हम भाई जी आर एस बन इकट्ठा होकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को DM सर के द्वारा संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन व मांग पत्र दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग पूरे जनपद में, यह कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में 75 जनपद में कराया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर। और अगर जो शासन हम लोगों की सुधि इस ज्ञापन और संज्ञान
कार्यक्रम से नहीं लिया तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी अभी एडीएम मित्र राजेश सर जी द्वारा आकर हम लोग अंजनी कुमार सिंह जी द्वारा आकर हम लोगों का सम्मान ज्ञापन कार्यक्रम लिया गया और आश्वासन दिया गया कि आप लोग द्वारा दिया गया मांग पत्र हम समय शासन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उसे अपेक्षित जो वहां से आश्वासन मिलेगा या जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा, जिसके क्रम में हम लोगों ने सर को ज्ञापन दिया और हम लोगों को आश्वासन मिला। और आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जनपद और प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर हम लोगों की बहुत सारी सी समस्याएँ हैं और बहुत हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन उन पीड़ा को उन कार्यक्रम को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग भी खून पसीना बहा के दिन रात अपनी ग्राम पंचायत में अथक परिश्रम करके हम लोग अपना कार्यक्रम अपनी जो योगदान है नौकरी का दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आधा क्या कहा जाए चौथाई भी पीड़ा हम लोगों की कोई समझने वाला नहीं है, इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है। जनपद में नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने बताया कि जनपद के बांस गांव व बड़हलगंज क्षेत्र में पानी का लेवल ऊपर आया है, जिसको देखते हुए सभी संवेदनशील जगहों से लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है, जिसको देखते हुए 14 बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी विभाग अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, राशन किट सप्लायर को भी तैयारी पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया है, अगर बाढ़ की समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, उसके लिए अभी कुछ क्षेत्र हैं जो बांस गांव और बड़हलगंज क्षेत्र में पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया है, कुछ कटान हो गया है, तो उसके लिए जितने भी हमारे 35 संवेदनशील स्थल है सबको आइडेंटिफाई करके वहां पे लोगों को डिप्लॉय किया गया है और 14 बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट भी किया गया है। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग तैयारी किए हुए हैं, जो राशन किट सप्लायर है उनको भी तैयारी करने के लिए कहा गया है, रेस्ट अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसको हम लोग निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बैठक, किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत द्वय की स्मृति में संगीतमय श्री राम कथा बुधवार से व गुरुवार से सामयिक विषयों पर होगा व्याख्यान। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ महाराज व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि समारोह के शुभारंभ व समापन अवसर पर उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। महायोजना 2031 पर नागरिकों के द्वारा आपत्ति व सुझाव देने का जीडीए ने कार्य किया शुरू। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, कोई भी नागरिक जीडीए में आकर महायोजना को देखकर दे सकता है अपना सुझाव, उनके सुझाव को कमेटी में रखकर संशोधन करके बोर्ड की बैठक में किया जाएगा पास। घंटे के अंदर लूट करने वाले दो अभियुक्तों को उरवा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 1600 रुपए, एक मोबाइल, एक जोड़ी पायल, एक आधार कार्ड, एक लेडीज पर्स किया बरामद। पीटा जेल।
विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण का जनपद में चल रहा है कार्य, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। कैंट और शाहपुर थाने के सातिर अपराधियों पर गैंगस्टर का मुकदमा हुआ पंजीकृत, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। मंडल खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक, सभी विद्यालयों में खेल प्रतियोगिता कराकर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। जनपद में बिना मानचित्र के बने होटलों की जीडीए करेगा चेकिंग, टीम किया जा रहा है गठित, करेगा बिना मानचित्र वाले होटलों पर कार्रवाई, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ ताल की तर्ज पर अब राप्ती नदी में भी जल्द चलेगी मोटर चालित बड़ी नाव, बुधवार से किया जाएगा सिकारा मोटर चालित नाव का ट्रायल, लोगों को नौकायन का मिलेगा मौका, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। फरार चल रहे चौरीचौरा थाने के शातिर अपराधी सुरेश कुमार पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 15,000 का इनाम किया घोषित, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाया गया यातायात कार्यालय से रेलवे बस स्टैंड तक वाहन चेकिंग अभियान, जाम को कराया गया क्लियर, वाहनों की चेकिंग कर 18 वाहनों का किया गया चालान, कहा यातायात पुलिस का नियमित चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। जनपद के व्यापारी बंधुओं के साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने की बैठक, व्यापारियों की जानी समस्या, कहा व्यापारियों की सुरक्षा है हमारी पहली प्राथमिकता, उनकी समस्याओं का होगा समाधान। आठ सितंबर से 11 सितंबर तक ईस्ट जोन इंटर स्टेट जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का होगा आयोजन, अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल करेंगे प्रतियोगिता का उद्घाटन, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राजित श्रीवास्तव ने दी जानकारी। दस सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वावधान में मनरेगा कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग। और नदियों के जलस्तर में जनपद में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, जिलाधिकारी ने कहा नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बांसगांव और बड़हलगंज के संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर, 14 बाढ़ चौकियों को रखा गया है अलर्ट पर, बाढ़ से निपटने की है पूरी तैयारी। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।